अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ताहिर अब्बास मुखातिब आपसे। तो आप देख रहे हैं आज दी टेक्नोलॉजी, हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इन सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा आज दी टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा रेड कलर का, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही आपको एक बेल आइकॉन शो होगा, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आप देख सकें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की इस वीडियो टॉपिक के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इजी पैसे का लोन वापस कैसे कर सकते हैं। तो चंद दिन पहले मैंने इजी पैसे का लोन लिया था। असल में मैं ये चाह रहा था कि मैं चेक करूं कि इनका लोन देने का तरीक़ाकार क्या है और इसका मार्कअप फीस जो देनी हमने होती है कितनी देनी होती है। तो यहाँ पे मैंने पहले ऑलरेडी लोन ले रखा है। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसे वापस कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ इजी पैसा ऐप को। तो यहाँ पे मैं होम पे चला जाता हूँ। तो होम पे जाने पर रिफ़्रेश करने के बाद मेरे पास जो है इस वक्त बैलेंस मौजूद है, वो आपके सामने नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद तीन ऑप्शन मज़ीद नीचे नज़र आ रहे हैं, सेंड पेमेंट, बिल पेमेंट और पैकेज वगैरह की। उसके बाद जो है मोर विद इजी पैसा, जो नेक्स्ट नीचे शुरू होता है मोर विद इजी पैसा के जो फीचर्स हैं। पहले नंबर पे आता है जी इजी लोड, दूसरे नंबर पे आता है इजी कैश। इजी कैश इजी पैसे का वो मेथड है जिसके ज़रिए आप एडवांस लोन ले सकते हैं, जैसा कहे मैंने ले रखा है। तो यहाँ पे इजी पैसा इजी कैश लोन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि इजी पैसा और जायज़ कैश का लोन लेने का तरीक़ाकार तकरीबन सेम है और इसमें जो डोनेशन टाइम है वो भी सेम है। तो ना मैं दोबारा इजी कैश लोन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, नेटवर्क इशू होने की वजह से ये पेज लोड नहीं हुआ, मतलब नेक्स्ट पेज के ऊपर नहीं गया है। नेट तो आ रहा है, पता नहीं किस वजह से नहीं गया। एप्लीकेशन ये काफ़ी अरसे से कुछ चाहता हूँ मोबाइलों के अंदर स्लो चलती, जैसा कि मेरे मोबाइल में भी ये एप्लीकेशन बहुत स्लो काम करती है। अब मुझे ये पता चल नहीं सका कि एप्लीकेशन क्यों स्लो है, क्योंकि मैंने इसकी अपडेट हर दफ़ा चेक करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी ये कुछ मोबाइलों में इशू स्लो चलती है। अच्छा, यहाँ पे अब जैसे ही इजी कैश लोन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है मुझे कि टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है आपने 5500 रुपये देनी है। अच्छा, एडवांस पेमेंट जो मैंने ली थी वो मैंने 5000 पे ली थी और 5000 का जो फीस लग रही थी हफ्ते की 2500 रुपये थी। और लोन की एक्सपायरी डेट जो है ये लिखा हुआ, वीकली फीस ट्रैकर जो है मैंने मतलब 3/11 को ली थी, 11वें महीने की 3 तारीख को लोन लिया था और आखिरी तारीख जो थी वापस करने की वो 2024 और पहला महीने 2 तारीख थी। यहाँ पे इन्होंने लोन स्ट्रक्चर ऑफ हफ्तावार ऑफ वीकली, मतलब इन्होंने जो लोन का डोनेशन टाइम बनाया है वो आप इनको 2 महीने के अंदर लाजमी वापस करना होता है। तो यहाँ पे मेरे 2 हफ्ते हो गए, 250 रुपये के हिसाब से 5 रुपये जो है मुझे इसका फीस चार्जेस हुई है, मतलब 250 और 500 ओरिजिनल एडवांस की रकम। तो मतलब मुझे जो अब देने हैं 5500 रुपये टोटल इनको देने हैं। तो यहाँ मैं फुल पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे सामने वो अमाउंट आ जाती है और यहाँ पे देखिएगा ये पेड का ऑप्शन आ गया कि मैंने ये पेड कर दी है और मुझे जो है 99 दिन
मेरे बाकी थे, 59 दिन बाकी थे, 11 दिन हो गए थे लोन लिए हुए को। तो यहाँ पे देख के आप रिसिप्ट भी देख सकते हैं, रिसिप्ट में पे ट्रांजेक्शन का ऑप्शन भी आ गया है। और बैक करके बैक टू मेन्यू पे जाते हैं तो मेरे बैलेंस में से वो रकम कटौती हो गई है। तो यहाँ पे ऐसे दोबारा लेने के लिए अगर मैं रेडी कैश के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दोबारा वो रकम विजिबल हो सकी होगी कि आप कितना लेना चाहते हैं। अब मैं मतलब 7500 रुपये का लोन ईजिली ले सकता हूँ। पहले 5000 का ले सकता था, अब एक दफ़ा लेने के बाद दोबारा वापस किए तो 7500 रुपये का लोन के लिए मैं एलिजिबल हो गया हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो की समझ आ गई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।